सूरा मेरे मज पम्मा डठण बिर मनी सिखा पधिंग समाधियानी बुद्धम। ये जो हमारे पीछे लिखे हुए दस मानव कहते हैं, यहाँ पे गोल्डन रूल लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इनको गोल्डन रूल कहते हैं, हिंदी में इनको मानव कहते हैं, यानी कभी ना मरने वाले नियम, जो नियम कभी नहीं मरते। आप कह सकते हैं अमर जो कभी नहीं मरेंगे। वैसे तो सारे नियम आपको एक एक करके बताए गए हैं, लेकिन जो दसवां नियम है, उस दसवां नियम बनाने के लिए आपको 2 मिनट का रिवीजन करना होगा। 2 मिनट का रिवीजन बहुत तेजी से करेंगे। सबसे पहला गोल्डन नियम देखिए, पीछे लिखा हुआ है केवल शरण। इसका मतलब ये होता है कि आज हम यहाँ सन में जितने भी लोग बैठे हैं, वो सारे सारे शरण बैठे हैं, क्योंकि खुशी किसको चाहिए? खुशी किसको चाहिए? शरणों को। तो खुशी के काम कौन करेगा? और सारे शरण इकट्ठे होकर काम करेंगे तो शरण सन कहलाएगा। इसलिए सन में जब भी प्रवेश होगा, शरण का होगा, काम करेगा समझ पाएगा, रिजल्ट पाएगा समझ पाएगा, कोई भी अधिकार पाएगा समझ पाएगा, और वैसे भी वहां आपसे लेगा क्या, वैसे भी वहां को हमारे साथ रखे करना है, क्योंकि खुशी हमारे पास नहीं है, संसार हमारे पास नहीं है, संपन्न हम नहीं है, तो ये सारे काम अभी को करने हैं। इसलिए संघ में जब आएगा केवल समान आएगा। रूल नंबर 2, ये जो गोल्डन रूल है, ये सारे के सारे गोल्डन रूल उन बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं, जिन बीमारियों के कारण हम आज तक हारते आए हैं, जिसमें से चलना एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे बीच में शुरू से रही है। पैसे की आवश्यकता पड़ती है, आप कोई भी बात करेंगे पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वो पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाए, वो पैसे पे झगड़ा शुरू हो जाए, वो पैसा हमारे अंदर आ जाए, वो पैसा हमारे कल्चर में आ जाए, हमको ये लगने लगे कि उस पैसे के अलावा काम ही नहीं होगा, या हम बाबा साहब की उस बात पे ले रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज का कुछ परसेंट दे रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं अपना घर वाले, या फिर पैसा इकट्ठा कर लें, ये सारी की सारी चीजें हमारी जड़ बनती है टूटने की। क्योंकि जब जब पैसा इकट्ठा होता है, या इतने इतने विद्वान लोग कहते हैं, सबको पता होगा कि जैसे ही किसी भी संगठन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी सिस्टम में पैसा इकट्ठा होता है, वो पैसा टूट कर देता है, क्योंकि पैसे से काम नहीं होगा। आज हम यहाँ सब लोग आए हैं, अपना खर्चा करके आए हैं, अपने खर्चे से आए हैं, हालांकि अभी अभी रोगी साथ लेकर के आए हैं, लेकिन अगर यहाँ रोगी का पैसा होता या बैठने का पैसा होता या किसी और चीज का खर्चा होता, तो हम अपना अपना देते। जैसे दिल्ली में होने वाली हमारी जो बड़ी संगति है, जो 11 फरवरी 2024 को लगने वाली है, उसमें हम सबके सब लोग अपना खर्चा खुद उठाने जा रहे हैं। जो बड़े लोग हैं वो 350 रुपए लेके अपना खर्चा उठाएंगे, आने का, बैठने का, आने का, जाने का, और सामान का, माई का, बिल्ले का, पोत का, मेहनत का सबका खर्चा है 350 रुपए आता है। जो 10 साल से लेकर 18 साल तक के लोग हैं, वो अपना खर्चा उठाएंगे, क्योंकि उनको प्रोत्साहन देना है, उनको प्रोत्साहित करना है, तो वो 175 रुपए अपना खर्चा जमा कराएंगे। बच्चों को भी घर से निकाल के लाना है, तो बच्चे अपना खर्चा 25 रुपए जमा कराएंगे। तो ये संघ का नियम है, जाति का जिक्र हमारे अपने असली इतिहास में कहीं नहीं मिलता। जाति का जिक्र हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता, कहीं भी डॉक्यूमेंट में नहीं है। ये तो अभी तो सालों से करते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस खत्म कर देते हैं और
कोई नहीं पूछता किसी भी संगी से कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा पंथ क्या है, तुम किस पंथ को मानते हो, तुम किस संत को मानते हो, तुम कहां से आते हो, कोई नहीं पूछता। ये सारी चीजें टुकड़े का पाठ होती है, इसलिए सब में जाति का अभ्यास कभी नहीं होगा। चौथा आता है केवल संघ। आज तक जितने भी काम हमारे हुए हैं वो सारे के सारे या तो व्यक्तिवाद पे आधारित हुए हैं, या संगठनवाद पे आधारित हुए हैं, या क्षेत्रवाद पे आधारित हुए हैं, या भाषावाद पे आधारित हुए हैं, या संघवाद पे आधारित हुए हैं, या जातिवाद पे आधारित हुए हैं, या मतवाद पे आधारित हुए हैं। लेकिन ये सारे के सारे अलग 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 टुकड़े हैं, ये सारे के सारे टूटे हुए टुकड़े हैं। इन सारे टुकड़ों को अगर कोई जोड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ संघ है। इसलिए जब हम संघ में बैठते हैं ना क्षेत्रवाद की बात करते हैं, ना व्यक्तिवाद की बात करते हैं, ना जातिवाद की बात करते हैं, ना भाषावाद की बात करते हैं, ना देशवाद की बात करते हैं, ना लिंगवाद की बात करते हैं, केवल और केवल सभी की बात करते हैं, संघवाद की बात करते हैं। क्योंकि जिनके पास संघवाद होता है, संघवाद का मतलब है संघ की इंटेंशन यानी साथ में रहने की नियत, यानी इकट्ठा रहने की नियत। जिन लोगों के पास इकट्ठा रहने की नियत होती है और नियत से इकट्ठा होते हैं, अच्छे अच्छे काम के लिए इकट्ठा होते हैं, वो लोग ही जाया करते हैं। इसलिए संघ में केवल संघ बात करता है, क्योंकि वही हमारे जीवन का कारण बनेगा। कभी नहीं, ये बड़ा आसान सा नियम है, सबको पता होगा। बहुत सारे लोगों ने संगठनों में काम किए होंगे तो बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा कि मंच पे बैठे तीन लोग, बाकी सारे बैठे नीचे, बाकी सारे बैठे सामने, वो तीन जो बैठे नीले गले में माला डाली, वो तीन जो बैठे उन्हीं को माइक दिया, वो तीन जो बैठे उनको हमसे ऊपर बनाया गया ताकि उन तीनों की नुमाइश की जा सके। और वो जो तीन वहां पे जाके बैठते हैं उनको चाहे समाज के बारे में कुछ ना बताओ, उनको चाहे समाज के बारे में एक चीज ना बताओ, लेकिन वो जो अपने गले में माला डलवाते हैं ऊपर बैठते हैं तो उनका जो ईगो है, उनका जो अहंकार है, उसकी मसाज हो जाती है, वो बढ़ जाता है, वो निकल के नहीं आता है, वो हावी हो जाता है। मतलब एक इंसान का अहंकार उसके ऊपर हावी हो जाता है तो अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है, अगर वो अपने आप को दूसरों से अलग समझता है तो वो टूटा पाने लगता है, वो टूटता है। व्यक्ति जैसे उसका उदाहरण लेते हैं इस सेक्टर में कि मैं यहाँ बैठा तो ये सब यहाँ बैठे, मेरे घर में मारा डाल दी उनके मैं डाल दी तो उनको बुरा लगेगा, मेरे मारा को नहीं डाल दी तो ये सारी चीजें सब में खत्म कर दी। वैसे भी समाज का काम करने के लिए है, पहले में मारा करवाने या पद के लिए प्रतिष्ठा के लिए नहीं निकले हैं, अपने आप को मार के जो लोग काम करते हैं वो आगे जाते हैं। आज हम इस इमारत की नींव में जा रहे हैं, जब कल वो इमारत उनकी खड़ी होगी तो इसमें बच्चे हमारे पास करेंगे। फिर आता है पंजीकरण कभी नहीं। ये जो पहला बात हुई है कि मैंने अपना मकान लिया अपनी गाड़ी ली तो मैंने दो चीजों की वजह से उसका पंजीकरण करवाया, पहला उसपे मेरा मालिक ना रहा और दूसरा पंजीकरण होता है सामाजिक लोगों का कभी पंजीकरण होता है, कोई अपने घर का पंजीकरण कराता है क्या, कोई अपने परिवार का पंजीकरण कराता है क्या, कोई नहीं कराता, क्योंकि नेचर से वो परिवार हमको मिला है और हमको उस परिवार में रहना है, इकट्ठे रहना है, तभी हम इकट्ठे रहकर आकर दिखा पाएंगे अपनी। इसलिए समाज में कभी पंजीकरण नहीं कराना चाहिए, इसलिए संघ कह रहा है कि पंजीकरण कभी नहीं, क्योंकि मान्यता आपने हो सकता संघ दिखाई। दूसरा मान्यता हमको नहीं चाहिए किसी के मान्यता, क्या हमको हमारे स्वर्ण होने के लिए किसी और की मान्यता चाहिए क्या, क्या हम अपने स्वर्णों के लिए संघ बना के काम कर रहे हैं इसके लिए हमको किसी मान्यता चाहिए क्या, किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है किसी की मान्यता की जरूरत, क्योंकि हमारी मान्यता हमसे ही आती है और जितनी जल्दी हम इकट्ठे हो जाएंगे हमारी मान्यता उतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, इसलिए हमको पंजीकरण की जरूरत नहीं है। संघ कहता है पंजीकरण कभी नहीं। संघादि से सबसे ऊपर संघ हर महीने की पहली तारीख को बैठता है सदन के रूप में और सदन में एजेंडा आते हैं, उन एजेंडाओं पर चर्चा होती है, जो एजेंडा पारित हो जाते हैं वो संघ का नियम बन जाते हैं, वो संघ का आदेश बन जाते हैं और फिर वो संघ जब आदेश हो जाता है तो उसको कहते हैं संघ आदेश, यानी संघ का आदेश। और संघ का जो आदेश है वो एक संघी के लिए सबसे ऊपर होता है। आगे संघ ने तय किया था कि
कि आज की तारीख में सन 1 फरवरी यहाँ पे आएगा कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ये सन का जो आने से माना गया कुरुक्षेत्र के अंदर सन भी लग रही है। अब सारे लोग बैठे हुए हैं, अपना खाना अपने साथ ले आए हैं, सन के नियमों के साथ बैठे हुए हैं, यही सन आने से बहुत आसान है समझना, संगीत मर जाएगा, कट जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन सन आने से घरेगा नहीं, सन आने से इसको छोड़ेगा नहीं, और जो जितना ज्यादा मजबूत संगीत होगा वो इस आत्मा को उतना आगे लेते रहेगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ के लिए जैसे बाकी सारे काम है वैसे ही राजनीति भी है। जैसे बाकी सारे कामों को करने के लिए हमको लोग चाहिए और इकट्ठे लोग चाहिए, एक साथ चाहिए, ऐसे ही राजनीति के लिए हमको लोग चाहिए, इकट्ठे चाहिए, एक साथ चाहिए। लेकिन ये गोल्डन की है पृथ्वी की जरूरत क्या पड़ी, जैसे सन ये नहीं सकता था कि सन व्यवहार में नहीं जाएगा, सन ये इसी को फट कर दिया गया, जैसे संघ के लिए बाकी सारे मामले कैसे याद रहेंगे, सब ये भी लिख सकता था कि व्यवहार में नहीं रहेगा, ऐसा ये भी लिख सकता था कि शिक्षा में नहीं रहेगा, ऐसा ये भी लिख सकता था कि रैली में नहीं रहेगा, लेकिन संघ ने यही जो लिखा कि सब राजनीति में नहीं रहेगा, वो संघ ने इसलिए लिखा क्योंकि अब तक जितने हमारे बीच में काम हुए हैं लोगों को इकट्ठा करने की सेवा थोड़ी कम थे, जितने भी हमारे अब तक के काम हुए हैं और जहाँ भी लोगों को इकट्ठा किया गया है वहां सबसे पहले लोगों को इकट्ठा किया, दूसरा काम जो किया गया है वो है राजनीतिक काम, सोशल काम, कल्चरल काम किसी ने नहीं किया, सबने लोगों को इकट्ठा करने के बाद चाहे उनकी संख्या में लोग इकट्ठे हुए या नहीं हुए, उन्होंने सबने राजनीतिक काम शुरू कर दिया, सबने राजनीतिक या तो भागी मांगी या तो लेकर लोगों को आए, लोगों को लेकर दिखाया और ऐसे करके कोई पद पा लिया, कोई वोट पा ली, कहीं कुछ पा लिया, ऐसा नाम चले गए, कोई जो है बैंकर पोस्ट रख दी, इसलिए सब ने डिक्लेयर किया है कि ताकि हम सबों के भरोसा रहे कि हम जब इकट्ठे हो रहे हैं तो हम राजनीति में नहीं जाएंगे। हाँ, हमने से कोई नर्सरी से सीख के राजनीति में जाना चाहे तो जाए, बिल्कुल जाए, और जाएगा तो क्या करेगा, जो संघ से सीखा वही होता है वहां जाके, इसलिए किसी को जाना होता है, इस समय यही बैठा है, सब नहीं जाने वाला, तो कभी राजनीति में नहीं जाएगा। नौवां नियम है वो ये है कि संघ आदत की संघ में वापसी कभी नहीं, हमने जितने भी काम किए हैं अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज आप सब लोग अपना अपना घर खोले, परिवार खोले, परिवार के सुखी लिए यहाँ पे बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोजाना 2.5 साल से पोर्टल चल रहा है, पोर्टल में 8 से 11 बजे तक रोज रात को मीटिंग चल रही है, आज संडे में एक संघ एक संघ नहीं कर रही है, ऐसी दसियों संघ चल रही है, बीच में विदेश में संघ चल रही है, वहां पर क्या हो रहा है, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं उस सारे परिवार को आने के लिए, उनपे कोई चलते चलते अगर षड्यंत्र करता है और संघ पे भार करता है तो संघ उसको निभाएगा, भार का रास्ता दिखाएगा और उसकी वापसी संघ में कभी नहीं होगी। डिक्लेयर किया जाएगा ये संघ भारत था, डिक्लेयर किया जाएगा कि संघ ने इसमें भार किया, संघियों के काम को उसने ठुकराया, संघियों के काम में उसने नुकसान किया, उसके आने वाली जितनी खुशियां होंगी ना उस बात पे देखेगी, बात को समझेगी, ये नौ नियम है जो
जो नॉन इमोटर बनाए हैं उन सब की जो गारंटी है वो तस्मा में है कहता है रोगों में संतरा आता है ये ना कभी बदले जाएंगे ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी हमारे दे जाएंगे। तो अपने मन को संतोष कीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए और संत में कूद जाइए, साधना में जुड़ जाइए, संत को समझिए और लोगों को समझाइए। संत बढ़ता जाएगा, संत जी जाएगा, क्योंकि उस्मान ने आपको गारंटी देता है कि ये बदले नहीं जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, मैं वहां पे काम किया करता हूँ, बहुत सारे संगठनों को देखा है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारे वकीलों के बहुत सारे फोटो दूर हुए हैं, वो बड़े बड़े माइकों पे बड़े बड़े मुद्दों पे भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी मुद्दों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे असली बात जो हमको हमें बतानी चाहिए वो नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो पता ही नहीं है। लेकिन मैं और वहां पे जा रही हूँ, मैं और पूछ रही हूँ कि मुझे संघ के ये बोर्ड नियम बताते हैं जिनके आधार पर मैंने तय किया कि अपने अंतिम सांस तक अभी वहां पहुंचना है, क्योंकि ये तय किया है संघ के लिए अपनी अंतिम सांस तक रहूंगा, संघ में काम करूंगा, संघ का आदेश मानूंगा, संघ की बात करूंगा, अपने घर से लेकर अपने मोहल्ले तक, अपने मोहल्ले से अपने शहर तक, अपने विभाग में, अपने कोर्ट के अंदर, अपने वकील भाइयों में, पूरी देश में, पूरी दुनिया में सभी की बात करूंगा, सभी को फैलाऊंगा, संघ के नियमों को लेकर आऊंगा। अगर मेरे वक्त में कोई त्रुटि हुई है संघ मुझे सुना करे, संघ मुझे सुना करे, संघ मुझे सुना करे, संघ का नामी, संघ के सलाम, संघ को नमस्कार। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.